नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया में भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 17-18 जून 2023 को चकिया के बिग फे बाजार स्थित व्यवसायिक विवाह भवन में प्रथम दिन DYFI के झंडा तले राज्य अध्यक्ष मनोज चंद्र वंशी ने किया। झंडा तोलन के उपरांत शहीद वेदी का पुष्पांजलि अर्पित करते हुए DYFI के राष्ट्रीय महासचिव हेम धनराज भट्टाचार्य एवं बिहार के DYFI के पूर्व सचिव प्रकाश बिप्लव अशोक मिश्र एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद सत्येंद्र मिश्र यादि ने बारी बारी से शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित किया, जिसके उपरांत प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता DYFI के राज्य सचिव रजनीश कुमार ने किया। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर DYFI के राष्ट्रीय महासचिव हेम धनराज भट्टाचार्य ने क्या कहा। एजेंडा तय कर लिया, क्योंकि ये भाजपा के सरकार के अमल में ये बेरोजगारी जो समस्या है ये हर दिन बढ़ रहा है। तो हम लोग को ये कहना है कि पता चल गया है देश के युवाओं को कि ये सरकार अपनी जो नीति है वो नीति नहीं बदलेगी, तो ये सरकार को बदलना है। अगर ये सरकार बदल जाएगी तो ये रोजगार को लेकर कुछ हो सकता है देश में। तो हम लोग का एक यही कहना है कि 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें हम लोगों का एक ही नारा रहेगा कि आपकी बार सिर्फ रोजगार, क्योंकि रोजगार हम लोग को चाहिए। तो रोजगार के मांगों को लेकर हम ये भाजपा के सरकार के खिलाफ में जो लोग लड़ेंगे हम उसके साथ रहेंगे। विशेष करके हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट के साथ ये DYFI रहेगा, क्योंकि ये सरकार को हमको बदलना पड़ेगा देश के युवाओं के लिए। युवाओं के साथ तो सभी दल आते हैं और युवा का रोजगार की बातें करते हैं, लेकिन युवा छल करके बड़ी अफसोस में पड़ जाते हैं, फिर आपके ऊपर कैसे किस प्रकार से व्यवसाय करें, मैं किस तरह विश्वास करें। देखिए, DYFI का जो परंपरा है, हम लोग पहले दिन से ही रोजगार को लेकर, रोजगार के मांगों को लेकर और शिक्षा के मांगों को लेकर आंदोलन किया है, मूवमेंट बनाए हैं देश भर में। जितना भी रोजगार को लेकर जितना भी बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें DYFI का सबसे ज़्यादा भागीदारी था देश भर में। और देश के बहुत सारे स्टेट बिहार को छोड़कर भी जहाँ पर हम लोग हर दिन रोजगार के मांग पर आंदोलन करते हैं, मूवमेंट बनाते हैं। तो हम लोग को यही कहना है कि बहुत सारा जो पॉलिटिकल पार्टी है जब चुनाव आते हैं तो वो वादा करते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे। भाजपा सरकार ने भी कहा था 2014 के इलेक्शन के पहले कि भाई हम साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग को यही कहना है कि भाई जब चुनाव आते हैं तो बाकी जो है वो लोग इसको रोजगार को लेकर कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग लगातार ये रोजगार के मांगों को लेकर आंदोलन किया है। तो इस आंदोलन में हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यही कि हम लोगों के आंदोलन के साथ जो आम युवाओं हैं वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग को अपने अनुभव से वो लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार वादा देगा लेकिन कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए, और अगर रोजगार को लेकर कोई संगठन, कोई जनसंगठन कुछ कर सकता है तो DYFI कर सकता है। तो इसलिए वो लोग हम लोगों के ऊपर विश्वास रख रहे हैं और हम इस विश्वास के साथ ही ये जितना भी रोजगार के लोग जो भी कुछ करना है हम लोग करेंगे।